गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, देख सकते हो आप हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। आज सही पकड़े हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। और हियर कम्स आवर बॉस। तो भैया आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है गाइस, इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे, आज वो फाइनली दिन आ गया है। हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे अरदास करने। हालांकि पूरी डिटेल्स आपको वहां जाके देंगे, तो अभी हम लोग लेट हो गए हैं। नाना को देखिए, नाना क्या कर रही है। एज ऑलवेज लेट है अनान्या। अनान्या क्या दे रहा है आपको? बस 15-20 मिनट। 7 मिनट की ये ऑल टाइम पेंटिंग चलती रहती है, कलरिंग। जल्दी चलो गाइस, लेट हो रहा है। बात तो सही है यार, मैं तो तैयार हो गया हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, बच्चे उधर बैठ के वेट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो देर लग रही है वो है इन मैडम को, ये तैयार ही नहीं हो रही है। मैडम आपको मैं नहीं जानती, चलना नहीं है फार्म हाउस पे। यार आप इतना कपड़ों को ऐसे गंद डाल के चले जाते हैं, सारे पीछे सफाई है, मैं करूं फिर कहते हैं मैं लेट हो गई। अच्छा यार, ऐसे नहीं होता। पापा मम्मा वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी चल लो यार, बहुत लेट हो गया है। बच्चों नाना शनाया सियान, गाइस तुम सब तो रेडी हो ना? हाँ जी, ये रेडी हो गए, मम्मा सिर्फ रह गई है। जल्दी से कपड़े उपड़े सब, ये कोई बात हो रही है यार, आपको टाइम से करो, सब नीचे वेट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है। कौन कौन एक्साइटेड है फार्म हाउस में जाने के लिए? तू भी है? मैं भी हूँ। चलो भैया जल्दी चलो, लेट्स गो। ओके लेट्स गो टू फार्म हाउस। तो गाइस यार फाइनली पहुंच गए हैं हम, और सब आ चुके हैं। अब हम जाएंगे अरदास करने, और अभी पहले आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या हो गया है। ये देखो, ये बच्चे वहाँ भाग गए हैं, इनकी वहाँ बास्केटबॉल शुरू हो गई है। ये देख लो, ये भाई साहब इनका शुरू हो गया है जंपिंग जैक, क्योंकि यहाँ पर लग चुका है हमारा ट्रैम्पोलिन। हाँ ये पापा उसको बोला है, करेगा करेगा। पूल ठीक लग रहा है, लेकिन पूल का पानी समझ रहे हो? अच्छा है, ब्लैक है अभी, क्योंकि उसमें केमिकल डाला है। अभी हम उसको नीला करेंगे, फिर सही होगा। अभी उसमें फिर और इसमें क्लोरोफिन डलेगा, पता नहीं क्या क्या डलता है। जब आप न्यू बनाते हो ना, तो उसमें टाइम लगता है। अभी क्लीन हो जाएगा, देख भैया लगे हुए हैं कर रहे हैं बैंगन। ये देखो हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हो ये बैंगन, पीछे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी है बैंगन। फूल गोभी सुंदर, ये है फूल गोभी। गाइस यहाँ से फूल गोभी इतनी बड़ी गोभी आती है। अच्छा आज तक सब्जी वाले से मुझे इतना बड़ा फूल कभी नहीं मिला। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ये है हमारा किचन गार्डन, प्लीज उनको कॉन लगाओ। कॉन ठीक है, कॉन लगवा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये छोटी हो गई है, ये देख लो भाई, ये बच्चों के लिए हमने एक आइटम बनवाई थी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और ये कौन चढ़ के बैठा इसके ऊपर, कहाँ है, यहाँ से एंट्री है, ये मिल गई। छोटी बच्ची हूँ, अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो तो। छोटी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं भी अभी आऊंगा थोड़ी देर में। देख लो गाइस, मुझे कमेंट करके बताना किस किस को यहाँ आना है और यहाँ एंजॉय करना है, और आप कमेंट करो, मैं बुलाऊंगी। डेफिनेटली यार, प्लान करेंगे सबके साथ। लेट है यार। तो गाइस फाइनली 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 फार्म हाउस से सीधा घर। गाइस आपको पता ही है हमें घर आना था, नहीं हमने बताया नहीं था, नहीं बताया था, सही पकड़े हैं। हमें घर आना था क्योंकि हमने मम्मा पापा को ड्रॉप करना था घर पे,
और इसके बाद हम जा रहे हैं कहाँ पर? हम जा रहे हैं अनन्या के स्कूल के कार्निवल पे। है अनन्या के स्कूल में मगर है छोटो की फेट। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटो की फेट है अनन्या के स्कूल, लेकिन क्या है यार तुम तो कंफ्यूज कहना क्या चाहते हो? समझ जाओ, ऑर्गेनाइज जा रहे हैं बस। ऑर्गेनाइज हमारा स्कूल कर रहा है लेकिन है फेट इसकी स्कूल। अच्छा ऑर्गेनाइज तुम्हारा स्कूल कर रहा है लेकिन ऑर्गेनाइज हो रही है नाना के स्कूल में। ये भी गुड पॉइंट है यार, ये भी गुड पॉइंट है, ये भी ठीक है। तो अच्छा अब मुझे ये बताओ फार्म हाउस के अंदर किस किस को मजा आया? मुझे मजा आया। वो देखो लंबा सबसे आज ओके वो गिर जाएगी कपड़ों कंबल है वो। चलो भैया इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मजा आया। गाइस आप देखो ये वाली लड़की जो की बोल रही थी ट्रैम्पोलिन नहीं रखना है, नहीं लगना चाहिए फार्म पे, और ये सबसे ज्यादा उछल रही थी वहाँ पे। मेरे को फीलिंग नहीं है। मैंने कहा था। हाँ जी। हाँ जी। कोई सियाना बंदा कह गया है जब कोई एंजॉय कर रहा होगा तो टोक नहीं डालती है, मगर यहाँ हर बंदा टोक डाल रहा है। मगर क्यों? पता नहीं टोक क्यों डाल रहा है। चलो कोई नहीं भाई, टोक डालनी चाहिए ना, समझाओ इनको यार। क्या तेरे को कितना मजा आया वहाँ? मेरे को चल नहीं सकता, मैंने जूते पहने रहे, मेरे को बहुत ज्यादा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा देखो? बास्केटबॉल झूला और ट्रैम्पोलिन। मैं बता दूं मुझे क्या लगा, मेरा रूम ट्रैम्पोलिन बास्केटबॉल झूला एंड होम थिएटर और आपका रूम बहुत अच्छा लगा। क्या बात, आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाएंगे डिटेल में दिखाएंगे। आगे बने रहे फार्म हाउस के बहुत सारे वीडियो आने के लिए रेडी खड़े हैं। सही पकड़े हैं क्योंकि हम फार्म के हाउस वार्मिंग बहुत जल्दी करेंगे। हाउस वार्मिंग के नाम पे हम बस पांच कराएंगे, नियर एंड डियर वंस, वेरी क्लोज फैमिली एंड वाहेगुरु का शुक्र करके अंदर घुस जाएंगे। गाइज वाहेगुरु का शुगर तो दिन रात करेंगे लेकिन हमने अरदास वहाँ पे इसलिए करी है कि हम वहाँ पर एक दो दिन पहले रह के देखेंगे, ट्रायल रन करेंगे और फिर अगर ट्रायल रन में सब कुछ सही रहा तो हम फुल फैमिली के साथ वहाँ पर एक बढ़िया सी गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, बहुत सारे मजे करेंगे। तो अभी वहाँ पर बहुत सारी हमने अभी फर्निशिंग तो करनी है ना, अभी तो वो तो किया ही नहीं है। करनी है, अगर आप कहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि जो हमने तो शॉपिंग करी है क्या उसका भी वीडियो आप देखना चाहोगे? क्यों नहीं तो हम वो भी आपको जरूर दिखाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ से खरीदी, कितने की खरीदी, कितने मोल भाव की है, कितना रम्मी को बोला प्लीज ले दो। भैया वो वीडियो रहने दो तुम यार, हम तो लड़ पड़ते हैं, झगड़ा हो जाता है हमारा भाई साहब, वो बड़ा गंदा लगेगा वो तुम ऐसे दिखाओगे तो अच्छा लगेगा कि मैं रमनीक को बस डांट रही हूँ कि ये दुकानदारों से लड़ पड़ती है, रोने लग जाती है वहाँ, लेट जाती है गाइस जमीन पे, लेट जाती है, मेरे पे पैसे नहीं है, नहीं दूंगी इतने का दे दे, ऐसे थोड़ी होता है यार, एक रिस्पेक्टेबल वे से आप बार्गेनिंग करो। तो एनीवेज खैर यार, तो फार्म हाउस बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, हमारा फाइनली रेडी होने वाला है, थोड़ी सी फर्निशिंग रह गई है बट वो भी निपटा देंगे, तो सबको ही मजे आने वाले हैं, आपको भी मजे आएंगे, हमको भी मजे आएंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच, आज तो संडे मतलब बेस्ट ही हो गया है, बहुत मजे आने वाले हैं, पूरा दिन बिजी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हिट लाइक कर देना और माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना। बाय, चलो 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 जल्दी नेक्स्ट पार्टी पे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जर्मन क्रिसमस कार्निवल वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस हमें क्रिसमस कार्निवल में बहुत मजा आया, वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।